किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गेहूं की फसल के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, गेहूं की फसल जहाँ पे आप लोग अगर 35 से 40 दिनों की हो चुकी है, तो उस फसल के अंदर आपको क्या करना चाहिए, तो और किन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो हमारी गेहूं की फसल है, एक तो हमारा खेत एक समान हो जाए। बिल्कुल, होता क्या है कि हमारी जो गेहूं की फसल होती है, कोई भी फसल है, धान की फसल है या गेहूं की फसल है, आप लोगों ने देखा होगा कि खेत के चारों तरफ छोटे पौधे रह जाते हैं, और उसके जब वो छोटे पौधे रह जाते हैं तो उनके अंदर होता है अक्सर कि बालियां भी छोटी ही आती हैं और उनके अंदर दाना भी छोटा ही आता है, यानी कि कमजोर पड़ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे जो किसान हैं उनके पैदावार में कमी आती है। तो किसान भाइयों, इसी समस्या से निपटने के लिए मैं कुछ उपाय आप लोगों को बताऊंगा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बताऊंगा जो कि आप एक बिल्कुल एक बायो के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी गेहूं की फसल के अंदर। तो वो आपको 35 से 40 दिनों के अंदर ही इस्तेमाल करने हैं। तो किस तरह से आपको इस्तेमाल करने हैं, कौन कौन से वो प्रोडक्ट हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम तरह की जानकारी देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए किसान भाई, वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त राम मेहर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं गेहूं की फसल के बारे में। जैसे कि आपकी गेहूं की फसल 35 से 40 दिन की हो चुकी है और आप चाहते हैं कि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो कि हमें एक अच्छा कल्ले भी देखने को मिले हमारी गेहूं की फसल के अंदर। और जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि चारों तरफ छोटे छोटे पौधे होते हैं और हमारे खेत के अंदर, वो समस्या से भी जो हमें छुटकारा मिल जाए ताकि हमारा खेत एक समान हो जाए बिल्कुल, और जो हमारी पैदावार है वो हमें अच्छी मिले। तो किसान भाइयों, करना आपको क्या है कि जब आपकी गेहूं की फसल अब 35 से 40 दिन की हो चुकी है, तो आपको क्या करना है, एनपीके, जिंक और कोई भी टॉनिक ले लीजिए, इन तीनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। आपको बताते हैं किसान भाइयों, एनपीके जो होता है वो लेना है आपको 1919 नहीं लेना है, 052234। जी हाँ किसान भाइयों, एनपीके 052234 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और जिंक की मात्रा लें जो 12% चिलेटेड आता है उसकी मात्रा लेनी है आपको 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और टॉनिक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप कोई भी टॉनिक ले सकते हैं, जैसे कि बायोवेटा, एंजाइम गोल्ड, सागरिका या फिर काजू की एनर्जी, जो भी आपको मार्केट के अंदर प्रोडक्ट मिलता हो, जैसे कि मीरा क्लोन वगैरह है, जो भी टॉनिक आपको मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाए या ठीक पैसे में मिल जाए, तो उसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 150 लीटर पानी के अंदर प्रति एकड़ के हिसाब से जो मैंने आपको डोज बताई है, वैसे टोनिक की डोज तकरीबन 250 ml से 300 ml रहती है, प्रति एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1 किलोग्राम एनपीके, 150 ग्राम जिंक और कोई भी टोनिक 250 ml से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपना एक साथ, चाहे बेसक एक साथ घोल कर लीजिए या फिर एनपीके जिंक का एक साथ घोल करके बाद में टंकी में डालते जाइए टॉनिक को। तो किसान भाइयों, आप 150 लीटर पानी के अंदर अपने खेत के अंदर छिड़काव करें। अगर आप लोग इस तरह से अपने खेत के अंदर छिड़काव करते हैं 35-40 दिनों की गेहूं की फसल के अंदर, एक तो आपके गेहूं की फसल के कल्ले बहुत ज्यादा होंगे, फुटाव अच्छा बन के आएगा, और दूसरी बात क्या है कि आपका खेत बिल्कुल एक समान हो जाएगा। चौथी बात क्या है कि जो झंडा पत्ता होता है हमारी गेहूं का, तो वो बिल्कुल स्वस्थ निकल के आएगा। जब आप देखेंगे ना कि झंडा पत्ता बनेगा तो बिल्कुल स्वस्थ और चौड़ा होगा, क्योंकि झंडे पत्ते से ही हमारी जो फसल है वो भोजन बनाती है और दाना बनता है। जितना अच्छा स्वस्थ झंडा पत्ता होगा हमारी फसल का, गेहूं का या धान का, तो उसी तरह से हमें पैदावार भी देखने को मिलती है, दाना भी काफी अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा। तो इस तरह से आप लोग एक अच्छी पैदावार के लिए इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर मुनाफा पा सकते हैं। तो यही थी किसान भाइयों जानकारी कि हम अपनी गेहूं की फसल के अंदर 35 से 40 दिनों के अंदर कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जिससे कि हमें काफी अच्छे बेनिफिट्स हों। और आप लोग करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो बाद में आप लोग भी जब ये चीज को एक्सपीरियंस करेंगे तो आप भी और किसानों को भी ये सलाह देंगे कि आप लोग एक बायो की तरफ जाइए, जैसे कि हम बायो प्रोडक्ट, ये बायो ही लगा लीजिए, एक ये माइक्रो न्यूट्रेंट है, तो माइक्रो न्यूट्रेंट की पूर्ति आप लोग फोलियर के द्वारा अपनी फसल को दे सकते हैं या फोलियर के द्वारा अपनी फसल की माइक्रो न्यूट्रेंट की पूर्ति को पूरा कर सकते हैं, तो आपको काफी अच्छे परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। तो आप लोग खुद भी एक्सपीरियंस कीजिएगा ये चीजें। तो यही सब था किसान भाइयों, तो मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपका फिर भी कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।